जल जीवन मिशन को लेकर जहां हुकाम बुलंदवा बांग दावे कर रही है, वहीं अगर हम जिला पुलवामा की बात करें तो जिला पुलवामा में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी साफ पानी से महरूम हैं। इस वक्त हम जिला पुलवामा के तुड़स इलाके में मौजूद है और यहां के लोगों का ये कहना है कि पिछले कई सालों से ये इलाका जो है साफ पानी से महरूम है। यहाँ का पानी का बहुत गलत है। यहाँ मैंने सुना कि 20 साल से यहाँ पर पानी का गलत है। बीच में यहाँ टैंकी डाला, वो कभी काम नहीं हुआ पूरा। अभी तक इसका जो काम है वो भी अभी उद्योग नहीं रहा बस। और जो वाटर उनको जो यहाँ पर डी है उनको बोलना चाहिए बस, यही पानी का गलत खत्म होना चाहिए। डार ना बुझ तर सुबसान आब प्रॉब्लम ये एजाज अहमद डार जिला पुलवामा के तिड़स इलाके में रहते हैं। इनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से यह इनके यहाँ पे पानी की किल्लत है और लगातार इन्होंने हुकाम से अपील की है कि इनके इलाके में जो है पानी को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक जो है इनके इलाके में पानी नहीं आ रहा है। अगरचे हफ्ते में एक या दो बार जिला हुकाम की जानिब से यहाँ पे गाड़ी भेजी जाती है जिससे इनको पानी मुहैया किया जाता है, लेकिन इनकी ये डिमांड है कि जल्द अज जल्द इनका जो है मसला है ये हल हो। और हुकाम से यही गुजारिश है कि जो यहाँ पे प्लांट बन रहा है उसके काम में थोड़ी सी तेजी आए ताकि इस इलाके में जो पिछले कई सालों का मसला है वो हल हो जाए। इनने ये भी कहा कि लगातार हुकाम से इन्होंने अपील भी की है कि इस इलाके में जल्द अज जल्द जो है ये मसला हल किया जाए, लेकिन अभी तक इनके मसले का जो है अजाला नहीं निकला है। इस वक्त हम तिड़स के उस इलाके में मौजूद है जहां पर जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से इस पर अगरचे काम चल रहा है लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है और यहां के लोगों की हुकाम से पुरजोर गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस इलाके में जो है ये फिल्ट्रेशन प्लांट को फंक्शनल बनाया जाए ताकि इस इलाके में जो पीने के पानी की किल्लत है वो दूर हो जाए। अब यहाँ के लोगों ने हुकाम से और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से पुरजोर गुजारिश की है कि इनके इस मसले की ओर तवज्जो दी जाए और जल्द अज जल्द इनके मसले का जो है अजाला निकाले। केसर टीवी के लिए जिला पुलवामा से मैं मीर बुरहान।